जय हिंद। नमस्कार मेरे शेयर श्रेणियों, देखिए जो भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन का फॉर्म भरने वाला है उसको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट है इससे संबंधित कि जो ये वैकेंसी इसमें किस प्रकार से इसकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है, कब ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य है। मान के चलिए कि अगर आप मान लीजिए बार बार से कोई फॉर्म भर रहे हैं, या आप कुक से भर रहे हैं, या आप ड्राइवर से भर रहे हैं, तो आपके पास में क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए ताकि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भार ना हो। केवल फॉर्म भरने से नहीं होगा, क्योंकि ये वैकेंसी ट्रेड और टेक्निकल की है, इसमें आपके 10th क्लास पास के अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपके पास में होने चाहिए। अलग अलग स्तर पे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी काफी सारे कमेंट्स है, तो उन कमेंट्स की रिप्लाई लाड लो। आपको कोई भी सीआरपीएफ ट्रेडमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की लाड लो, ठीक है। 100% और जेन्युइन जानकारी आपको मिलेगी पूरी की पूरी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे या कौन कौन से सर्टिफिकेट आपके पास में अलग अलग ट्रेड से होने चाहिए, साथ ही पूरी प्रोसेस। सबसे पहले देखिए क्या होगा, आपको बता दूं, सबसे पहले सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा लाड लो। इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके मैथ के, 25 रहेंगे रीजनिंग के, 25 रहेंगे जीके के और 25 रहेंगे हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल। ये टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का समय होगा, समझे। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो आपको मैंने बता दिया कि एसएससी जीडी का जो पूर्व सिलेबस है वही सिलेबस सेम रखा गया है इस भर्ती का। ये अभी वाला 80 क्वेश्चन वाला नहीं, पुराना वाला सिलेबस, सेम सिलेबस रखा गया है लाड। अब इससे अगला, उससे पहले एक चीज और बता दूं, हाँ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन माध्यम से तो लाडलो रक्षक बैच इसके लिए लॉन्च कर दिया गया है। 1 तारीख से ये बैच शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से, तो आप कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन से ये बैच ले सकते हैं मात्र 500 रुपए में। 1 तारीख से ये बैच शुरू है, तो अगर आपको लेना है बैच, तैयारी करनी है मेरे साथ सीआरपीएफ ट्रेडमैन की, इसमें फायदा ये इस बैच के साथ में कि अगर आप जैसे पहले पेपर की तैयारी करोगे तो इसमें आपकी ट्रेड की तैयारी बिल्कुल फ्री कराई जाएगी, ठीक है। रक्षक बेच करके कमांडो एकेडमी एप्लीकेशन पर। अब अगली जो प्रोसेस है, जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में होगा फिजिकल। फिजिकल में आप सभी को पता होगा सेम एसएससी जीडी वाला फिजिकल है, 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट का समय है। उसके बाद में लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, 8.5 मिनट का समय है। यह होगा फिजिकल। फिजिकल पास होने के बाद में आपके होंगे ट्रेड टेस्ट। क्या होगा लाडू, यानी जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है या टेक्निकल से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आप उसमें निपुण होने चाहिए उस कार्य में, तो वो होगा यहां पर ट्रेड टेस्ट। उससे अगला होगा मेडिकल, उससे पहले होंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लाडू। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे सारे पड़ाव पास करते हैं लेकिन लास्ट में उनके पास में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, उस अवज में वो बाहर हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो, इसीलिए ये वीडियो है। मैं आपको भी बताऊंगा देखना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। हाँ, फिक्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए होते हैं, एक तो 10th क्लास की मार्कशीट, ठीक है, एक आपका डोमिसिली मूल निवास, ये तो चाहिए होते हैं, मूल निवास चाहिए, ठीक है, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये 3 डॉक्यूमेंट तो अनिवार्य है जो आपके लगेंगे। लगेंगे एक्स्ट्रा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उस पर अब हम चलते हैं। इसके बाद में होता है मेडिकल और फिर फाइनल रिजल्ट, तो उस पर अब हम चलते हैं कि आपको ये देखिए डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिटी ड्राइवर की। किसकी बात करते हैं? सिटी ड्राइवर। सिटी ड्राइवर की पहले तो आपको बता दूं एज क्राइटेरिया 21 साल से लेकर 27 साल है, आप सभी को पता होगा। दूसरी बात, इसके लिए देखो क्या लिखा हुआ है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, शुल्ड पोस्ट हेवी ट्रांसपोर्ट यानी जो हेवी लाइसेंस होता है ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपके पास में होना चाहिए ड्राइवर के लिए, क्योंकि ड्राइवर की सबसे ज्यादा पोस्ट है लाड लो, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, हेवी लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद में देखो मोटर व्हीकल वाले, इनके लिए भी सेम है, 2 ईयर का आपको इंडस्ट्रियल एरिया यानी IIT की हुई होनी चाहिए, या तो आपको या कहीं का वर्किंग सर्टिफिकेट आपको इसमें लगेगा, ठीक है, मोटर वाले में। अगला देखिए, इसके बाद में अदर ट्रेड, फॉर ऑल अदर ट्रेड्स उनके लिए मस्ट ऑफ प्रोफेशन एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी जिस ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं उस ट्रेड में आपको उस ट्रेड का कार्य आना चाहिए, यानी जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हैं
उसके लिए आपको उस ट्रेड के कार्य में आप निपुण होना चाहिए। आपका वहां पर जब उस ट्रेड का टेस्ट होगा तो आपको वो कार्य आना चाहिए, यह ध्यान रखना, ठीक है। और साथ में वर्किंग सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं इसके लिए, यानी अगर आप मान लो जिस भी ट्रेड से भर रहे हैं उसका वर्किंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके अलावा देखो प्लम्बर हो गया या विंग है, इनके लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड ऑफ लाइक, यानी 1 साल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। 1 साल का आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी ट्रेड से हैं, ये आपकी मुख्य चीजें हैं। यानी आप जिस भी ट्रेड से हैं उसके लिए क्या चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेट। सभी ट्रेड के लिए आपको बता दिया है, मस्ट जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भरते हैं उसमें पहले तो आपको निपुण होना चाहिए, बाकी 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप बना सकते हो। अब बोलोगे सर अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं अभी आपके कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे, सीधे 10th क्लास के मार्कशीट से ये फॉर्म अप्लाई होगा। उसमें आपका डोमिसाइल अभी आपके पास में होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके अलावा अभी कुछ नहीं चाहिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले जा सकते हो। साथ ही जिस भी ट्रेड से आप फॉर्म भर रहे हो उस ट्रेड की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, समझ गए। ट्रेड टेस्ट किस प्रकार से होगा मैं आगे के वीडियो में आपको बताता रहूंगा, बाकी और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं लाडलो कमेंट के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।